भैया जब आपने उसको 35,000 करोड़ रुपए दिए तब ताली क्यों नहीं बजाई आपने? तब चुप क्यों थे आप लोग? देश को आपने क्यों नहीं बताया कि हमने इस चोर को 30,000 करोड़ रुपए दिए? देश को आपने ये क्यों नहीं बताया कि नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए दिए? देश को आपने क्यों नहीं बताया कि विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए दिए? देश को क्यों नहीं बताया कि ललित मोदी को करोड़ रुपए दिए? मगर जब 3.5 रुपए आप हिंदुस्तान के किसान को, एक व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन का देते हो तो धड़ाधड़ बेवकूफ बनाने के लिए ताली बजाते हो। देखिए सीधी सी बात है, आपको झूठ सुनना है तो आप गलत जगह आए हो। अगर आपको झूठ सुनना है आप चौकीदार की मीटिंग में चले जाइए, वहां जो आपको झूठ सुनना है सुन लो, कोई कमी नहीं है। 15 लाख 20 लाख 50 लाख 2 करोड़ रोजगार, जो सुनना है सुन लो वहां पे, सच्चाई सुनने यहां आओ। मन की बात सुननी है वहां जाओ, काम की बात सुननी है यहां आओ। और मैं आपको काम की बात बताता हूं, 15 लोगों को, 16 को नहीं 15 को देश के चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। अभी 8 लाख करोड़ रुपए और बचे हैं, वो नहीं दे पाए क्योंकि पैसा खत्म हो गया। मगर पिछले 4 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। किसका किया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का। और मैं मुंबई के छोटे व्यापारियों से, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों से पूछना चाहता हूं, अरे भैया उनका 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया, आपका कितना किया? धारावी के जो छोटे 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 बिजनेस चलाने वाले लोग हैं उनका नरेंद्र मोदी ने कितना कर्जा माफ किया? किसानों का नहीं किया, ठीक है, हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब में किया, हमारी सरकार बनेगी उनका कर डालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं मुंबई में पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, इस शहर में लाखों युवाओं ने एजुकेशनल बैंक लोन लिया है, लाखों छोटे छोटे बिजनेसमैन ने बैंक लोन लिया है सपना पूरा करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, उन 15 लोगों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सरकार से कर्जा माफ करवाया है, हिंदुस्तान के युवाओं ने क्या गलती की है कि चौकीदार उनका कर्जा माफ नहीं कर सकता है? हिंदुस्तान के छोटे बिजनेसमैन ने, व्यापारियों ने क्या गलती की है कि चौकीदार उनका कर्जा माफ नहीं कर सकता है? ये दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक अनिल अंबानी वाला, अभी मैं एयरपोर्ट से आया हूं, प्राइवेट हवाई जहाज वाला, उस हिंदुस्तान में 20-25 लोग हैं, नाम जानते हो, अनिल अंबानी, ये मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, 15-20 लोग हैं, कर्जा माफ करवाना है, 2 मिनट में कर्जा माफ हो जाएगा। जमीन चाहिए, जमीन हाजिर हो जाएगी, बिजली चाहिए, बिजली मिल जाएगी, पानी चाहिए, पानी मिल जाएगा। और दूसरे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में किसानों आत्महत्या करो, अपना पैसा बीमा के लिए दो, अनिल अंबानी की कंपनी को दो, और जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, नुकसान होगा, उसके पैसे बनेंगे, आप भूखे मर जाओ। आप छोटे दुकानदार हो ना, मैं बताता हूं, 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी आएंगे टीवी पर, आएंगे चौकीदार जी, कहेंगे मित्रों मित्रों
वो मेहुल चौकसी को कहेंगे मेहुल भाई, और आपको कहेंगे मित्रों काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अब एक काम करो, हिंदुस्तान के सबसे सब के सब अमीर ईमानदार लोग, किसान मजदूर छोटे दुकानदार, तैयार हो जाओ, अपने जेब से अपना पैसा निकालो, बैंक के अंदर डालो। आपका समय कीमती नहीं है, लाइन में खड़े हो। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काला धन मिटाना है। सबको खड़ा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या अनिल अंबानी खड़ा था लाइन में? देखा आपने उसको? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, अनिल, ना वो लोग पता है कहां थे? वो लोग जब आप लाइन में बैठे थे, वो प्राइवेट हवाई जहाज, वो देखो हवाई जहाज जा रहा है, उसमें प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ रहे थे। बैंक के पीछे वाले दरवाजे से अंदर एसी कमरे में बैठे आप लोग लाइन के सामने बाहर, उनका काला धन सफेद हो रहा था। हिंदुस्तान की जनता पूरी की पूरी टीवी में देख रही थी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता के आंख में आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि चौकीदार, यह सच्चाई। सुप्रीम कोर्ट के चार जज आते हैं, बाहर आते हैं, प्रेस के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। जज लोहिया का नाम लेते हैं, अमित शाह जी पर केस है। आमतौर से जनता जज के पास जाती है न्याय के लिए। नरेंद्र मोदी चौकीदार के हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज जनता से न्याय मांग रहे हैं। अच्छा, इन लोगों से मेरी एक शिकायत है, प्रेस के हमारे जो मित्र हैं, मुझसे कहते हैं डराया जाता है इनको, धमकाया जाता है। मुझसे हंस के कहते हैं हम लिख नहीं पाते, हम कह नहीं पाते हैं, चौकीदार का कंट्रोल है। और लक्ष्य एक है कि हिंदुस्तान की जो आवाज है, मुंबई की जो आवाज है, वो दब जाए। राज अनिल अंबानी जी करें, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी। अच्छा, अजीब सी बात है, इन सबके नाम मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, बस इन्हीं का राज चले, बाकी हिंदुस्तान देखता रह जाए। और अगर कोई बात सवाल उठाए, उसको कुचल के दबा दो। मैं जाता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, ये सब प्रेस वाले मित्र आते हैं, सवाल पूछते हैं। आपने कभी देश के चौकीदार को प्रेस के सामने देखा है? इनको 15 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो इनको, उनको सामने बैठा दो, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। मैं बता रहा हूं, और मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज देता हूं, भ्रष्टाचार के मामले पे आप आके मेरे साथ बात करो, इनको सामने खड़े कर दो, मेरे से डिबेट कर दो, 2 मिनट मेरे सामने डिबेट कर दो। हिंदुस्तान से ना भागना पड़ जाए, मैं देखूंगा। अरे भैया, डरपोक है, खड़ा नहीं हो पाता है। नहीं आ सकता, कैसे आएगा?
और जहां आते हैं एक के बाद एक नए झूठ नए झूठ।